प्रेज गॉड प्रभु की स्तुति हो वी आर मेडिटेटिंग अबाउट स्प्लिट अप क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट स्प्लिट अप एंटी क्राइस्ट हम लोग मनन कर रहे थे प्रभु यीशु की आत्मा के ऊपर और एंटी क्राइस्ट की आत्मा के ऊपर व्हाट इज द स्प्लिट अप क्राइस्ट प्रभु यीशु की आत्मा क्या है स्प्लिट अप क्राइस्ट इज नथिंग बट द होली स्पिरिट दैट इज स्प्लिट अप गॉड प्रभु यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की भी आत्मा है एंटी क्राइस्ट इज जस्ट अपोजिट दैट और जो मसीह के विरोध जो आत्मा है वो उसके विरोध या उल्टा होता है एंटी मींस अपोजिट एंटी मतलब विरोध क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लाइक दैट सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज गो टू रोमन्स 8 वर्स 8 रोमियो 8 में जाएंगे रोमियो 8 उसमें वाक्य 8 दोस हु आर इन द फ्लैश cannot please God. और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते verse 5 says, Romans chapter 8 verse 5 says, और उसी में वाक्य 5 कहता है those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh but those who live according to the spirit the things of the spirit क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं वन जॉन चैप्टर 2:22 सेज पहला योहन्ना में जाएंगे पहला योहन्ना चैप्टर 2 वाक्य 22 पहला योहन्ना चैप्टर 2 वाक्य 22 दोस को डिनाई द फादर एंड द सन आर एंटी क्राइस्ट जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है और मसीह का विरोधी है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है वह मसीह के विरोध है यस वी कैन सेपरेट द स्पिरिट इनटू टू पार्ट्स वन इज स्पिरिट एंड वन इज फ्लैश तो हम लोग ये मामले को दो हिस्से में बांट सकते हैं एक है आत्मा दूसरा है शरीर सो गैलेशियंस Chapter 5:16. Galatians chapter 5, उसमें वाक्य 16. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर के हवसों को पूरा नहीं करोगे. What are the things of the flesh? What are the spirit of the flesh? It is written in Galatians chapter 5, verses 19, 20, 21. Work of the flesh. गलेशिया चैप्टर 5 वाक्य 19 से 22 में जो भी शरीर के कार्य होते हैं उसके बारे में लिखा गया है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट गलेशियन चैप्टर 5:22 and 23 लेकिन जो आत्मा के जो फल होते हैं उसमें गलेशिया चैप्टर 5 वाक्य 22 और 23 में उसके बारे में लिखा गया है वी कैन आइडेंटिफाई वी कैन कम टू नो विच स्पिरिट वी आर हैविंग और हम लोग ये पढ़ के जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है होली स्पिरिट will change you like Jesus. पवित्र आत्मा जो है तुम्हारे जीवन को प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाएगा. Spirit of Antichrist or evil spirit will change you like devil. लेकिन मसीह के विरोध जो आत्मा है वो तुम्हें बदल के शैतान के जैसे बना देगा. Long ago I have seen a lady, evil spirit filled lady. बहुत समय पहले मैंने एक स्त्री को देखा था जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी. During night time, she is dancing like this. His husband name is some Ravi or some Swami. Hey Swami, evil spirit behave like this. तो रात के समय पे वो नाचते हुए अपने पति को एकदम जोर-जोर से पुकार रही थी कि ए स्वामी. But Holy Spirit is gentleman. लेकिन पवित्र आत्मा जो है बहुत ही दीन व्यक्ति है. Whenever it tells in my life, my son, this is wrong. जब कभी भी वो मेरे जीवन में कुछ बोलता है कि मेरे पुत्र ये गलत है. Have you heard Holy Spirit voice, my dear brothers and sisters? क्या तुमने ये पवित्र आत्मा की आवाज को सुना है मेरे भाइयों और बहनों? You may have heard so many times. हो सकता है कि कई बार सुना हो. Holy Spirit is like sign on the highway
पवित्र आत्मा हाईवे पर एक चिन्ह के अनुसार है। गो स्लो, धीरे जाओ। साइन बोर्ड विल बी देयर, गो स्लो। वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा कि यहाँ पे धीमे चलो। टर्न राइट, यहाँ पे अभी दाहिने मुड़ो। देन इट इज द ड्राइवर्स राइट टू ओबे द साइन बोर्ड आर नॉट। फिर वो ड्राइवर के ऊपर निर्भर होता है कि क्या वो साइन या चिन्ह का वो उपयोग या उसका आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। इट विल गाइड ऑल द ट्रूथ, वो सब सच्चाई के मामले में उसको मार्गदर्शन देगा। बट इफ यू ओबे इट विल चेंज, लेकिन जब तुम उसके आज्ञा का पालन करोगे तभी तुम बदलोगे। सपोज यू आर स्पीडिंग ऑन अ हाईवे, सोचो तुम हाईवे पर बहुत ही तेज रफ्तार से जा रहे हो। साइन बोर्ड इज दैट टर्न लेफ्ट, और वहां पे एक बोर्ड लगा है कि यहाँ पे बाएं मुड़ो। यू मे थिंक दैट ओ नो नो आई डोंट ओबे आई विल टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। इट सेज टर्न लेफ्ट, साइन बोर्ड इज सेइंग टर्न लेफ्ट। हाँ, इफ यू टर्न राइट व्हाट विल हैपन। सो अगर वहां पे एक बोर्ड लगा है कि तुम्हें लेफ्ट में मुड़ना है, लेकिन मैं वो बोर्ड की बात नहीं सुनूंगा और दाहिने मुड़ जाऊंगा, तो क्या होगा? Like that, brothers and sisters, if Holy Spirit tells something, please try to obey. उसी तरीके से अगर पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ बोलेगा तो कोशिश करो कि तुम उसकी बातों को सुनो। Pray. प्रार्थना करो। Humble yourself. खुद को नम्र करो। God will give you strength to obey. और परमेश्वर फिर तुम्हें ताकत देगा कि तुम वो आगे का पालन कर सको। Antichrist spirit is higher. It will lift you up. मसीह के विरोध जो आत्मा है वो तुम्हें और ऊपर उठाएगा खुद के नजरों में। इट विल सीक हॉनर ऑफ मैन, वो लोगों का आदर को पाएगा, पाने की कोशिश करेगा। सो मेनी टाइम आफ्टर टॉकिंग अबाउट गॉड्स वर्ड आई गो बैक होम एंड थिंक लॉर्ड वेदर आई टुडे स्पीक योर वर्ड करेक्ट आर नॉट। गॉड टोल्ड हैव यू स्पीक माय वर्ड, नो 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 आई एम नॉट विद यू, यू स्पीक योरसेल्फ। You attracted brothers and sisters towards you, not lead me to. So many times God spoke like that. कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे मैंने प्रचार किया है, फिर घर पे जाके पूछा है कि प्रभु क्या मैंने आज आपके शब्द सही बोले हैं कि नहीं, तो उस समय प्रभु मुझसे बोलता है कि तूने मेरे शब्द तो नहीं बोले हैं, तूने बस खुद के शब्द बोले हैं, क्योंकि तू चाहता है कि लोग तेरी ओर आकर्षित हो। That is spirit of antichrist. और यही वो आत्मा है जो मसीह के विरोध है। Seek honor of men. लोगों के आदर के पीछे जाना। Attract man towards you. लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। Holy Spirit leads towards Jesus. लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हें प्रभु यीशु की ओर लेके जाता है। It will change your heart. तुम्हारे मन को वो बदलेगा। It will fill your heart. और तुम्हारे मन को भरेगा। Bible says, Holy Spirit pour out your hearts with the love of God. बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में परमेश्वर का प्रेम उंडेल देगा। Yes, my dear brothers and sisters, be differentiate. हाँ मेरे भाई और बहनों, ये अंतर करना सीखो। नो विच स्पिरिट यू हैव, देख जानो कि कौन सा आत्मा है तुम्हारे अंदर। नो बाय विच स्पिरिट दैट ब्रदर सिस्टर इज स्पीकिंग विद यू, और जानो वो कौन सी आत्मा है जिससे ये कोई भाई या बहन तुमसे बातें करता है। होली स्पिरिट विल गिव यू विक्टरी ओवर सिन, पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के ऊपर जय देगा। विक्टरी ओवर फ्लैश, और शरीर के ऊपर भी जय देगा। Galatians 5:24 says, गलेशिया 5 उसमें 24 कहता है, Those who are in Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Galatians 5:24. गलेशिया 5 उसमें 24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, It will give you strength. वो तुम्हें सामर्थ देगा। Romans chapter 8 verse 13 says, Romeo 8:13 कहता है, Romeo 8:13, If you live according to the flesh, you will die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। If you are led by the Spirit, then you are sons of God. अगर तुम पवित्र आत्मा के अगुवाई के नीचे जा रहे हो तो फिर तुम परमेश्वर के बच्चे हो। You are children of God. तुम परमेश्वर के बच्चे हो। Finally, heirs of God with Jesus Christ. Finally? Heirs. और प्रभु यीशु के संतान, परमेश्वर के संतान हो प्रभु यीशु के साथ। Finally, I want to give an example. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।
Genesis verse chapter 3 verse 1 to 4 उत्पत्ति 3 उसमें 1 से 4 में ऐसा है Antichrist there a serpent asked Eve that whether God is really told this वहां पे सांप ने हवा से पूछा कि क्या परमेश्वर ने सच में ये बोला है like that people will ask or that person will ask you oh is it possible to obey this much commandments brothers उसी तरीके से लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या संभव है कि हम लोग इतने सारे आज्ञाओं का पालन करें like this from that you come to know that which spirit that brother or sister has उसे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा है when my daddy told don't smoke जब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कभी तुम सिगरेट मत पीना आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ था फ्रेंड्स आर स्मोकिंग सारे मेरे दोस्त सिगरेट पी रहे थे आई टोल्ड आई फ्रेंड्स गेव मी आई टोल्ड नो मेरे दोस्तों ने मुझे भी दिया लेकिन मैंने नहीं बोल दिया वही दिस इज वेरी स्वीट क्यों तुम नहीं ले रहे हो ये बहुत ही अच्छा है दिस इफ यू स्मोक यू विल फ्लाई अगर तुम ये सिगरेट पियोगे तो उड़ोगे One time, two time चलेगा एक दो बार किया तो चलेगा I told, my daddy told, don't smoke. मैंने बोला कि नहीं मेरे पिता ने बोला है कि तुम सिगरेट मत पीना My friend, all daddies are like that only. तो मेरा दोस्त बोलता है कि अरे सारे पिता ऐसे ही कहते हैं You don't smoke, you don't go there, don't see cinema. All daddies are like that. तुम सिगरेट मत पियो पिक्चर मत देखो ये वो मत करो सारे पिता ऐसे ही हैं When we become A daddy, we also will tell our children like that only. एक दिन जब हम पिता बनेंगे तो उस समय हम लोग भी अपने बच्चों को ऐसे ही बोलेंगे. Till then we enjoy. लेकिन तभी तक हमें आनंद लेना है. So I told, no, 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 my daddy told. लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं मेरे पिता ने बोला है नहीं करना ऐसे. That is the antichrist spirit, brother. They will ask whether it is really true. Is it possible? No, no, no. We can enjoy little bit enjoy. मसीह के विरोध जो आत्मा है वो ऐसे ही बात करेगा बोलेगा कि क्या संभव है इतने सारे आज्ञाओं का पालन करना क्यों ये सब तुम कर रहे हो क्या प्रभु ने सच में ये बोला है क्यों ना हम अभी मजे करें और आनंद लें होली स्पिरिट इज नॉट लाइक दैट लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है होली स्पिरिट विल मेक यू होली पवित्र आत्मा तुम्हें पवित्र बनाएगा कंप्लीटली पूरी तरीके से नॉट पार्टली थोड़ा से थोड़ा नहीं नॉट 99% 99% नहीं 100% 100% If you obey, अगर तुम उसके आगे का पालन करेंगे तो then God will lead you to victory over every sin. फिर परमेश्वर तुम्हें आगे लेके जाएगा और हर एक पाप के ऊपर जय देगा. Every flesh, हर एक शरीर के काम के ऊपर तुम्हें जय देगा. Praise God. प्रभु की स्तुति हो.